हे गाइस, वेलकम टू द व्लॉग। जैसा आप लोग जानते हैं, होली है कल और मैं इन लोगों को 3-4 दिन से टाल रही हूँ कि गुजिया आज बनाएंगे, कल बनाएंगे, परसों बनाएंगे। और लिटरली बता रही हूँ, सारा सामान अमित ने ना 2 दिन पहले लाके दे दिया था और मैंने अभी तक कुछ नहीं बनाया है। और आज मैं इसको मना नहीं कर सकती हूँ, मुझे आज बनाना ही बनाना पड़ेगा। तो बज रहे हैं ऑलरेडी 9 बज रहे हैं रात के, और व्लॉग भी मैं आज अब स्टार्ट कर रही हूँ। घर की पूरी सफाई, ये वो, बहुत काम था आज। और चलो अब गुजिया वगैरह जो भी अपना बनाते हैं। पहले मैं सोची थी अमित आ जाएंगे तब बनाऊंगी, वो भी ट्रायल मैं कल कर चुकी हूँ। कल मैंने कहा अमित मैं ना आपका वेट कर रही थी कि साथ में बनाएंगे, कहते हट खुद बना। और अब तो वो ट्रायल भी फेल हो चुका है और अब मुझे खुद ही बनानी है। सो आज मैं लूंगी इन छोटे छोटे बच्चों की मदद और हम बनाएंगे गुजिया, ठीक है। और गाइस, ये गुजिया बनाना ना मेरा फर्स्ट ट्रायल है लाइफ में। मैंने कभी गुजिया नहीं बनाई है। एक्चुअली क्या है ना, इनकी दादी ही बनाती हैं और इनकी दादी अभी गई हुई हैं हमारे होम टाउन कोलकाता। तो इस बार हम लोग होली भी घर पे ही मनाएंगे, क्योंकि हम लोग हमेशा हर त्यौहार दादी के घर पे मनाते हैं और इस बार दादी दादा गए हुए हैं होम टाउन। तो हाँ, तो इस बार हम अपने घर पे मनाएंगे। तो अपने घर पे बनाना है तो फिर पकवान भी घर पे ही बनने चाहिए ना। तो फिर इसलिए आज हम पहली बार ट्राई करेंगे गुजिया। मम्मी आप देख रहे हो तो देखते रहना, मेरा एक्सपेरिमेंट फेल होता है कि पास होता है। डू कमेंट्स ऑन माय कमेंट सेक्शन कि गुजिया कैसी बन रही है। मम्मी आपका कमेंट जरूर चाहिए मुझे। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, परात में मैंने ले लिया है खोया, ठीक है। अभी मैं खोए के ना थोड़े स्लाइसेस कर दूंगी, इनको पहले मुझे तोड़ना है, ठीक है। और फिर इसको हम कढ़ाई में भूनेंगे। ये मैंने लिया है करीबन 1 किलो खोया। दम लग रहे जब आप ये फ्रिज में रखा हुआ था ना, हार्ड हो। अच्छा, छोड़ दें। सो गाइस, खोए को हमने डाल लिया है कढ़ाई में। इसको भूनना बहुत ज़रूरी है, कच्चेपन से ना हमारी गुजिया ख़राब हो जाती है जल्दी। और वैसे भी देखो, हम इतनी गुजिया बनाएंगे तो हम इसको कम से कम हफ्ता 10 दिन तो रखेंगे ही ना। हफ्ता 10 दिन में कच्चे खोए की गुजिया जो होती है वो ख़राब हो जाती है। तो हम पहले खोए को भून लेंगे अच्छी तरह। तो जब आप खोए को भूनें तो थोड़ी मोटे तले की कढ़ाई लें या नॉन स्टिक की कढ़ाई लें, ताकि ये चिपके ना, ठीक है। भून के फिर मिलते हैं आपसे। सो गाइस, शुरू में पहले मैंने ये हथियार यूज किया था वीडियो के लिए, लेकिन ये सब दिखावा है, छलावा है। असली हथियार हमारा यही होता है जो दम लगाता है, और उस हथियार की वजह से मेरा खोया थोड़ा सा लग भी गया नीचे, बट नहीं, मेन हथियार हमारा जब आया जंग के मैदान में तो हम हुए कामयाब खोया कूटने में। और खोया भून के कुछ ऐसा लग रहा है। और हम लोग इसमें सूजी वूजी कुछ नहीं मिलाएंगे, हम बनाएंगे प्योर मावे की गुजिया। 4 ही तो लोग हैं, उसमें भी मिलावट करके खाएंगे तो कैसे काम चलेगा। सो गाइस, खोया हमारा भून चुका है, ये देखिए इसने कलर छोड़ दिया है। अब मैं इसको एक खुले बर्तन में खुला खुला करके रख दूंगी, और फिर जब ये ठंडा हो जाएगा तब मैं इसमें बूरा यानी कि शुगर पाउडर वो मिलाऊंगी और ड्राई फ्रूट्स मिलाऊंगी। और ड्राई फ्रूट्स भी कच्चे नहीं मिलाने हैं, उनको फ्राई करना है, ठीक है। सो गाइस, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमारे पास टाइम की शॉर्टेज है, हमारे पास काजू और बादाम काटने का भी टाइम नहीं है। तो हमने सोचा अब हम इन्हें साबुती डाल दें। सो बीच में मत बोलो। कढ़ाई में 2-3 चम्मच घी लें, कच्चा ना डालें। कढ़ाई में 2-3 चम्मच घी लेके यार मैंने ड्राई फ्रूट्स में सिर्फ काजू और बादाम और थोड़ी सी किशमिश ली है, ठीक है। किशमिश का फ्लेवर मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है और बाकी के ड्राई फ्रूट बच्चे खाते नहीं हैं। सो मेनली बचा काजू और बादाम, जो कि हमने साबुत ही डाल दिए हैं, ठीक है। मैं ये नहीं कहूँगी गाइस कि मैं बिल्कुल परफेक्ट बनाती हूँ, बट येस आई एम ट्राइंग। सो आप भी इस ट्रायल में शामिल होएं और एंड तक वीडियो को देखें, ताकि आपको पता चले कि कैसा रहा हमारा एक्सपेरिमेंट, ठीक है गाइस।
सो गाइज, इधर मैंने आटा गूंदने की तैयारी शुरू कर दी है और मैंने ले लिया है करीबन 1 किलो मैदा। और 1 किलो मैदा में मैंने ये बाउल भर के लिया है रिफाइंड ऑयल। और अब इससे मैं आटे को मोइन करूँगी। और दिस इज़ द फर्स्ट टाइम, बार बार बोल रही हूँ बिकॉज आई एम फीलिंग नर्वस, अगर ख़राब बना तो हैवी लॉस हो जाएगा, हैवी लॉस। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, आटे को मोइन करने से फायदा होता है कि हमारी गुजिया खस्ता बनेंगी। तो इसमें तेल या घी डालने में कंजूसी ना करें और इसको अच्छे से मोइन करें। बाकी कॉन्फिडेंस लेवल तो आप लोगों को पता ही है हमेशा। गाइस, हमारा आटा देखो कितना अच्छा मोइन हुआ है। अगर हम इसको ऐसे करेंगे तो इसकी मुठियां बनेंगी, ये देखो। हाँ, ठीक है ना? तो ऐसे मुठियां बननी चाहिए और ये बिल्कुल खस्ता है। अब पता नहीं गाइस, और बाबू ठीक से पकड़ना यार कैमरा, बाबू ने पकड़ा हुआ है कैमरा, तो एडजस्ट कर लेना थोड़ा। ये देखो गाइस, ठीक है। और आटे का कलर देखो, मतलब मैदे का कलर देखो, थोड़ा येलोइश क्रीमिश हो गया। अब इसको हम बिल्कुल हल्के हाथों से गूंदेंगे कि माँ धीरे धीरे पानी डाल कि माँ कर रहा है। तू पानी डाल, तू धीरे धीरे पानी डाल, बीच में। सो गाइस, बच्चों की मदद लेते हुए डालना, और जब मैं स्टॉप बोलूंगी तब स्टॉप और डाल। हाँ बस। सो विद द हेल्प ऑफ मेरी दो बेटियां गुजिया बना रहे हैं हम। हाँ देखो गाइस, गाइस समझ लेना, जब बोलें कुछ ना हम ऐसी बार में बोलेंगे चीजें। डाल 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 पानी डाल। इतना आटा तो मैंने कभी नहीं गूंदा एक साथ, गूंद भी नहीं, आज तक नहीं गूंदा गाइस मैंने इतना आटा कभी। तभी मेरे दो हाथ लग रहे हैं क्योंकि रोटी खाने वाले चार ही लोग हैं। हाँ, गुची को मिला के 5, वैसे तो 4 ही हैं। और जब इसकी दादी के घर जाते हैं और ज्यादा रोटी बनती है तो मम्मी ही रोटी बनाती हैं। मैंने तो कभी काम किया ही नहीं वहाँ पे, मैंने तो कभी काम किया ही नहीं है वहाँ पे। बाकी यहाँ तो सब अल्लाह भरोसे है। डाल पानी, फिर अल्लाह से झुलवाते हैं। तो गाइस देख रहे हो कितना खस्ता आटा गूंदे हमारा, लेयर देखो, पासला लेयर देखो गाइस, आटे की लेयर ऊपर तक आ रही है। सो आटा तो हमारा काफ़ी अच्छा और खस्ता गूंदा है। अब मैं इस आटे को 15 से 20 मिनट गीले कपड़े में लपेट के रेस्ट करने के लिए छोड़ दूंगी। ये तो नहीं रेस्ट ना, तो इतना मार है। ये देखो गाइस, टेबल ही तोड़ रहा है भाई। ये देखो गाइस, आटा बहुत ही अच्छा और खस्ता हो गया है हमारा। दम जरूर लगा इसमें। हाँ, तो बहुत दम है। बहुत लगा है। बस यार, चलो बस स्टॉप। सो गाइस, इधर हमारा खोया भी ठंडा हो चुका है। अब मैं इसमें डालूंगी शुगर पाउडर यानी कि भूरा। वो तो बहुत अच्छी है। सो गाइस, हमारा खोया ठंडा हो गया है और अब मैंने इसमें ऐड कर दिया है चीनी का बूरा, ठीक है, दैट इज शुगर पाउडर। अगर ना हो तो आप घर में भी चीनी पीस के बना सकते हैं, बट हम रेडीमेड ले आए थे। और अब मैं इसको मिला रही हूँ। सो मैं आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर में जब ये प्रॉपर मिक्स हो जाएगा। गुजिया और दूसरी गुजिया जाने की बारी आ गई। गुजिया बड़ी मोटी मोटी बन रही है यार। अरे बड़ी गिट्ठू मोटी मोटी है। एक तो नहीं, अलग ही शेप का आया है सांचा ना, ये देखो ऐसा सांचा सा आया है। इसमें बड़ी अजीब सी बन रही है। लेट्स सी, अभी मैंने तेल भी कम डाला है और गुजिया भी दो ही डाली है, तो मैं पहले देखती हूँ, है ना। सो गाइस, अभी तक तो मामला ठीक है, बाकी देखते हैं। वैसे अभी तक तो मामला ठीक है। सो गाइस, अब हम ना बाहर आ गए हैं कमरे में, किचन में बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है। कि माया मेरी हेल्प कर रही है, ये इसने भी बहुत हेल्प करी है यार। बहुत नानी खेल है अभी, मशीन ले चल, नानी खेल है। हाँ अभी मशीन।
अभी ऑन तो नहीं है ना? ऑन है, अभी नहीं कर ऑन है। बाबू गुजिया टेस्ट कर रहा है, कैसी बनी है बाबू? बहुत अच्छा। गाइस तीन गुजिया ऐसे सर्वनाश हो गई ये कढ़ाई के चक्कर में, मुझे इसमें अंदाजा नहीं पता चल रहा था, तो अब मैंने अपनी देसी कढ़ाई जो मेरी सालों साल पुरानी कढ़ाई है मैं उसमें आ गई हूँ, अब इसमें ट्राई करते हैं। बाकी देखो फर्स्ट बैच तो गुजिया का सही बना, फर्स्ट बैच तो बहुत अच्छा बना जो बाबू खा रहा है, लेकिन सेकेंड बैच में फट गई, शायद ज्यादा ही खस्ता हो गया आटा। यही कही है? बहुत अच्छे से ले यार, बहुत मेहनत कर रही है। चेची ये कही है, चेची ये कही है, अली अली मम्मी ये कही है। और आप क्या कर रहे हो? मैं वीडियो बना रही हूँ। तुम वीडियो बना रहे हो? हाँ मेहनत आई है, हम मेहनत आई है। सो गाइज ये बने हैं हमारे नमक पारे और मट्ठी, और ये बनी है हमारी गुजिया, और गुजिया रियली में बहुत टेस्टी बनी है। हम लोगों ने ये क्या हमारा जो चैलेंज था वो पास कर लिया है, और गुजिया सीरियसली बहुत अच्छी बनी है। सी दिस और बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनी है, सबने ट्राई कर। बाकी गाइज हमारी हालत कुछ ऐसी है, हम बहुत थक गए हैं, अब जो बचा है सामान बहुत बचा है गुजिया का, अब हाथ ना एकदम उल्टे से हो रहे हैं बेल बेल के। सामान बहुत बचा है गुजिया का, अब हम लोगों ने रख दिया है, हम बाद में बना लेंगे और बाकी हम रेडीमेड मंगा लेंगे, अब मेरे बस की तो नहीं है, सॉरी। मम्मी लोगों में कितनी हिम्मत होती है जो हमें बना बना के खिलाती हैं। मैंने फर्स्ट टाइम बनाया था और लिटरली बता रही हूँ मेरी हालत ऐसी हो गई जैसे कुत्ता बहुत ज्यादा भाग लेता है और थक जाता है ना, मैं तो लिटरली कह रही हूँ ऐसा मन कर रहा है एसी चला के ना बस बैठ। सो गाइस मैं तो थोड़ी देर एसी चला के बैठूंगी, बहुत थक गए हैं लिटरली हम लोग तीनों, मैं कीमू और बाबू, इनकी हालत देखो जरा। ये कि मैं तू तो ड्रामे कर रही है यार, इतनी तो मेहनत तो मेहनत कराई भी नहीं है मेरे पे ना बाल मजदूरी का वो हो जाएगा। सुनो गाइस अगर बोलने बैठी ना मैं तो इनका व्लॉग खत्म नहीं हो रहा है। अच्छा सो गाइस इस व्लॉग को हम करते हैं यहीं पे एंड, और मिलते हैं आपसे कल होली के व्लॉग में। सो हैप्पी होली टू यू, और कल और भी बहुत अच्छी अच्छी चीजें बनेंगी। अभी हम पूरी तरह थके नहीं है, अभी हम मुंह धो के एसी में बैठेंगे, हम ठीक हो जाएंगे और फिर कल के लिए रिचार्ज हो जाएंगे। सो सी यू गाइस टुमारो, बाय कर दो, बाय।